दोस्तों, अगर आप लोग मुझे नहीं जानते और उसके बाद भी आप लोगों के सामने ये वीडियो आई और आपने इस वीडियो को ओपन भी किया, तो समझ जाओ ईश्वर चाहता है, ब्रह्मांड चाहता है, यूनिवर्स चाहता है कि आप लोग मेरा ये आज का वीडियो देखो। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि क्यों किसी भी इंसान की 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में अक्सर नींद खुल जाती है और उसका कारण आज तक किसी को भी पता नहीं चला है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा होता है क्या कि आप लोगों की नींद अपने आप 3 से 5 के बीच में खुल जाती है रात में और आपको आज तक समझ में नहीं आया कि नींद खुलती क्यों है? आप पानी वानी पीते हैं, कुछ करते हैं और फिर वापस से सो जाते हैं। अभी से लगभग 2 मिनट 40 सेकंड के बाद, सही सुना दोस्तों आप लोगों ने, 2 मिनट 40 सेकंड के बाद इसी वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि क्यों किसी की भी नींद खुलती है तो क्या करना चाहिए और आखिर कौन सा ऐसा बड़ा संकेत रहता है जो मैं इतना गला फाड़ फाड़ के बोल रहा हूं कि यूनिवर्स चाहता है आप लोग ये मेरा वीडियो देखो। हो गया फाइनली मेरा आज का ब्लडी सत्य का शाम वाला वीडियो बना के। ये देखो कैमरा सामने लगा हुआ है, नीचे एक लाइट, सामने एक लाइट, और दरअसल ये जो पीछे आप बैकग्राउंड देख रहे हैं ना, नीला पर्दा, ये काफी ज्यादा लोग पसंद करते हैं। कैमरे में लोगों को काला पर्दा दिखाई देता है कई बार, खैर वो डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है आप लोगों का प्यार कैसा है। और आज बज रहे हैं सुबह के 11। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मैंने बहुत ही जल्दी ये वीडियो कंप्लीट कर लिया हूं, अब पूरा दिन है मेरे पास आराम करने के लिए। स्प्लिट्स विला देखूंगा, मुझे काफी ज्यादा पसंद है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के पुराने एपिसोड देखूंगा जो मेरा फेवरेट शो है। और क्या आएगा आज, आज शाम को कुछ शोज आने वाले हैं वो जरूर देखूंगा। इसलिए मैं सोचता हूँ कि सैटरडे को मैं जल्दी फ्री हो जाऊं तो मैं थोड़ा आराम करूं, क्योंकि सैटरडे वाला वो फेवरेटिज्म है ना, वो बचपन से ही है। बचपन से ही मुझे सैटरडे बहुत ज्यादा पसंद था, संडे से ज्यादा, क्योंकि संडे की एक्साइटमेंट रहती थी। अभी क्यों है पता नहीं, अभी तो हर दिन संडे की तरह है। खैर गाइस, अभी जो मैंने जो वीडियो बनाया हूं ना ब्लडी सत्य के शाम के एपिसोड के लिए, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक मैंने बहुत ही बड़ा मिथ दुनिया के सामने लेके आया हूं, ये बताया कि नहीं ये झूठ था। वो वीडियो को जरूर देखना, उसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दूंगा। फिलहाल लगा देता हूँ कैमरे में कैप। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं ना कि मैं कौन से एडिटर में अपने वीडियोस एडिट करता हूँ, और वो एडिटर है VLLO। वो एडिटर मेरे आईफोन में ही है, वो एडिटर एंड्रॉइड में भी होता है, और मैंने कुछ दिनों तक अपने लैपटॉप में एडिट किया था, लेकिन मुझे अभी मजा नहीं आ रहा है। अभी मतलब मोबाइल में मजा आता है तो मैं मोबाइल में ही एडिट करता हूँ। खैर, अभी मैंने इसमें लगा दिया हूँ कैप और इसे रिसीव में लगाता हूँ, क्योंकि मेरे कैमरे में वाईफाई भी है, तो मैं इस तरह से एक बार वाईफाई ऑन, हॉटस्पॉट ऑन करता हूँ, मतलब कैमरे का और मोबाइल का वाईफाई ऑन करता हूँ, तो मैं फटाफट इसमें रिसीव कर सकता हूँ। और एक बार रिसीव करता हूँ फिर आप लोगों से बात करता हूँ। दोस्तों, अब मैं जो आपको बताने वाला हूं ना, उसे कान और दिमाग दोनों ही बहुत ही ध्यान से खोल के सुनो। दरअसल दोस्तों, जब कभी भी इंसान की नींद 3 से 5 बजे के बीच में खुलती है ना, तो इसका मतलब कुछ बुरा नहीं होता, बल्कि ये होता है कि ईश्वर, यूनिवर्स, ब्रह्मांड चाहता है कि आप जागो। वो आपको याद कर रहा है, वो आपको आशीर्वाद दे रहा है। आपने अब तक जो कर्म किए हैं ना, उसके फल का समय आ गया है। अब आप लोग बोलेंगे 3 से 5 के बीच ऐसा क्यों होता है, ये बाद में भी तो हो सकता है ना। नहीं दोस्तों, 3 से 5 के बीच का वो समय होता है जो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इसी समय के बीच में ब्रह्म मुहूर्त आता है, और इस समय जिस देश में आप रह रहे होते ना, उस देश में ज्यादातर लोग सो रहे होते हैं। और अगर इस समय आपकी नींद खुलती है और आप ईश्वर की एनर्जी को फील करते हैं, यूनिवर्स को डायरेक्टली आप फील करके टच करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स आपके कर्मा का फल आपको देगा। आपने जो कोई भी अच्छे कर्म किए हैं उसके फल आपको मिलेंगे। हमेशा याद रखना, 3 से 5 के बीच में नींद खुले तो ईश्वर, आपके इष्ट देव, आप जिस किसी को भी मानते हैं, आप जिस किसी धर्म से हैं, वो आपको याद कर रहे हैं। आपको उन्होंने याद किया, आपकी नींद खुली, वो कोई कारण था, वो आपको कुछ बताना चाह रहे थे, वो आपको आशीर्वाद देना चाह रहे थे, लेकिन नहीं, आपने उनकी बात नहीं समझी और वापस से कंबल तान के आप सो गए। इससे ना वो एनर्जी को, वो ईश्वर को ऐसा लगेगा कि नहीं, आप अपने कामों के प्रति, आप अपने कर्मों के प्रति बहुत ज्यादा वो नहीं थे, मतलब क्या कहते हैं ना, आपके दृढ़ निश्चय नहीं ठान के रखे थे, इस वजह से आप उठना नहीं चाह रहे, आप आशीर्वाद ग्रहण नहीं करना चाह रहे। जी हाँ दोस्तों, मेरा बताने का ढंग अलग है, यूनिवर्स में जो चलता है वो कुछ अलग चलता है। मैं अपने इंसानों की नॉर्मल भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं। जब कभी भी आपकी नींद खुले ना, छोड़ देना अपना बिस्तर, छोड़ देना अपना कंबल, छोड़ देना अपनी नींद, अगले दिन सो जाना। लेकिन दोस्तों, उस समय उठ के मेडिटेशन करना, ईश्वर को महसूस करने की कोशिश करना, ईश्वर को याद करने की कोशिश करना, जिंदगी में जो जो अच्छे कर्म किए थे, जो जो दूसरे दूसरे का भला किए थे, वो हमेशा याद करने की कोशिश करना दोस्तों। बस समझ जाना कि ईश्वर अब आपको फल देगा। हमेशा याद रखना दोस्तों, जब कभी भी नींद खुले तो ईश्वर को किसी भी वजह से, यूनिवर्स को किसी भी वजह से बुरा लगने नहीं देना है। टेंशन मत लेना, बहुत अच्छा होता है जब कभी भी आपकी नींद खुले। ईश्वर, भगवान, अल्लाह या कुछ भी कह लो, कुदरत कह लो, कुछ भी कह लो, गॉड कह लो, वो आपको याद कर रहा है।
और जब वो याद करता है तो सोचो कितना अच्छा होता है। ये रिमोट की हालत क्या किया तूने बच्चे? हाँ, एक काले मुंह के कुत्ते, ये क्या किया? ढक्कन निकाल दिया। कोई बात नहीं, लगा दूंगा। टक्कू, पता है तेरे को आज क्या हुआ? मेरे को लगा कि अपनी मेड ने ना मेरे लिए रोटी ही नहीं बनाई है, तो मैं ना यहाँ से पूरा राइस निकालने लगा था, निकाल भी लिया था अपनी प्लेट में, लेकिन फिर सोचा कि अरे इसके नीचे क्या है देखो तू, और इसके नीचे निकला ये। ऐसा हुआ टक्कू मेरे साथ, मैं तेरे हिस्से का राइस खाने वाला था। अभी क्या करता फिर तू रात में? हाँ चल, अभी कोई नहीं, अभी बाबू खा लेगा रात में राइस और मैं अभी ले लेता हूँ रोटी। ये मोटा लोटला तो टक्का का है। टक्का देख तेरा कितना मोटा रोटला, ये देख, वो चुप चुप के मूवी देखा है, उसमें जो आरी मिलेगी आरी रोटी को काटने के लिए, ये वो वाला रोटला है। ये आरी से और तेरे दांत से कट सकती है बस, इसे कोई इंसान नहीं खा सकता है ना, इसे सिर्फ चार पैर वाला इंसान खा सकता है, तेरे जैसा साले। अभी तो मैं अपने लिए नॉर्मल रोटी ले लेता हूँ, इसको पूरा लेके ही जाता हूँ। क्या करूँ, लेके आ जाऊँ क्या डक्कू पूरा ये? चल अभी इसमें थोड़ा सा राइस हो गया, इसको मैं अभी क्या करूँ, अभी निकाल लिया तो वापस तो रखना ही पड़ेगा तेरा राइस। खाना चाहेगा क्या? खाना चाहेगा तो ले, तेरे इसमें डाल देता हूँ। आ जा खा लेना बाद में। क्या है, हाथ वाथ भी नहीं धोऊं अब? क्या हो गया तेरे को? अरे, बॉटल गिर गई, ये बॉटल गिरा दिया तुमने, ये बॉटल गिर, अरे 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 फिर से, ए पागल मत हो जाना टक्कू। मेरे को लगता है ये कबूतर ना अपना पालतू हो गया बाबू, है ना, इसको फिर से फूड देना पड़ेगा। कबूतर तू आज भी फूड खाने आ गया, तू पालतू हो रहा है क्या? आएगा वो खाने आएगा, डर गया ना मैंने ऐसा बोला तो उठ उठ करके। टक्कू देख, तू तो घूमू करके आ गया, फिर क्यों रो रहा है? टक्कू को हड्डी चाहिए इसलिए रो रहा है क्या? हड्डी चाहिए? हाँ हड्डी खाएगा ये, हड्डी खाने के लिए इतना पगला रहा है, अभी मैं इसको हड्डी दे देता हूँ जब तक। ये देखो एक्साइटमेंट, इसको पता है कि हड्डी यहाँ पे रहती है, इसलिए देखो इसकी सिर्फ एक्साइटमेंट देखो सिर्फ इसकी। टक्कू बता कौन से कलर की हड्डी खाएगा, कौन सा? गिर मत, अरे पागल मत हो जा, अरे रिसिट, हाँ कौन सी? टक्कू ये अलग कलर की हड्डी खाएगा, ये ले अरे बाप रे कंट्रोल नहीं हो रही है खुशी, ये देखो खुशी देखो बस इसकी, अब शांति मिली, ओवर खुश हो जाता है ओवर। ये दरअसल हड्डी नहीं है, ये कुछ है, कुछ अलग ही, लेकिन इसको हड्डी बोलो तो खुश होता है, इसलिए हड्डी ही बोलते बचपन से। टक्कू को हड्डी देके मैं जा रहा हूँ अभी अपनी कार की हालत देखने के लिए, क्योंकि काफी दिनों से गाड़ी चली नहीं थी तो मैंने सोचा कि चालू कर दूँ। मैं चालू करते रहता हूँ ऐसा दो तीन दिन में आके, सोचा कि आज आप लोगों को भी घुमा देता हूँ नीचे तक। मेरी गाड़ी की कंडीशन थोड़ी ठीक है क्योंकि बारिश हुई थी, तो बड़ा अच्छा लग रहा है देख के, लेकिन अंदर से ठीक है कि नहीं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो थोड़ा स्टार्ट करके देखते हैं हो रही है या नहीं। मैं जब भी आता हूँ ना इतनी ज़्यादा ठंडी हो जाती है, वो गर्म हो जाती है गाड़ी, ठंडी कैसे होगी यार, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, लिमिट से ज़्यादा। हाय हाय हाय, एसी चालू। देखो मैं आपको चूहों का कारनामा दिखाता हूँ, चूहा घुसा था गाड़ी में और ये हालत कर दिया डॉक्यूमेंट्स की, अभी रहने देता हूँ, बाकी मुझे नहीं लग रहा कि फिर से घुसा है, ये बाकी सब ठीक है, थोड़ा बहुत कचरा हो चुका है, अंदर से थोड़ी गंदी हो चुकी है और गर्मी इतनी ज्यादा लग रही है कि मेरे समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं, काफी अब धुलवा लूंगा। वैसे चल रही है, एक्सीलेटर देता हूं मैं, पेट्रोल हो गया कम तो ज्यादा ना करूं तो बेटर है, अभी बंद कर देता हूं क्योंकि सब कुछ ठीक है। रेडियो है, एसी थोड़ा फुल कर देते एक बार, एसी फुल करो तो आवाज आती है थोड़ी, हाय हाय बंद कर दो। ओहो, बड़ी गर्म, बहुत गर्म। ऐसी टाइम टाइम पे बारिश होती रहती है ना तो गाड़ियों के लिए अच्छा रहता है, साफ हो जाती है। जो पीछे दिख रही है वो नहीं है मेरी गाड़ी, उसके भी और पीछे के पीछे है। जो पेट्रोल गाड़ियां होती है ना उनकी एक खास बात होती है
कि काफी दिनों तक भी बंद उसको खड़ी रखो ना तो भी एक बार में स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जो डीजल और खासकर जो गैस से चलने वाली गाड़ियां होती है ना वो इतना साथ नहीं दे पाती है। गैस वाली तो मतलब 15 दिन बाद तो चालू होने बहुत नाटक करेगी, और मेरी ये गाड़ी 25 दिन तक भी सही खड़ी रही है और फिर चालू किया हो तो एक बार में चालू हुई। तो ये खास बात होती है पेट्रोल गाड़ी की। और बात करते हैं कि अभी ये दुनिया की, तो भाई बहुत कम हो चुके हैं केसेस। अभी हमारी बिल्डिंग में पूरी इतनी बड़ी बिल्डिंग है, यानी एक बिल्डिंग के अंदर 7 विंग्स हैं, इसमें सिर्फ 3 केसेस बचे हैं। जब नया नया आया था ना सेकंड वेव तो बहुत ज्यादा फैल रहा था, लेकिन अभी काफी ज्यादा कम हो गए हैं। और लेकिन लॉकडाउन सुनने में आ रहा है कि महाराष्ट्र में 15 तारीख तक रहेगा, 15 जून तक सुनने में ऐसा आया है। और कुछ कुछ चीजें हैं नॉन एसेंशियल सर्विसेज जो वापस से रीओपन हो सकती हैं 1 तारीख से। दोस्तों रात काफी ज्यादा हो चली है और अब सोना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो को अब तक यहां तक देखे है ना तो लाइक किए बिना मत जाना। थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के जरिए मिली है तो लाइक करना तो आपका फर्ज बनता है। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। हम कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह देख रहे थे गुड मॉर्निंग, रात में देख रहे थे बहुत बहुत गुड नाइट। चलो बाय।